तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्वार गम का अक्टूबर वायदा इस वक्त 10,302 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 10,486 का हाई लगा चुका है, 1.25% की तेजी है। हम देख रहे हैं कि ग्वार आज लगातार तीसरे दिन 10,000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, जो कि ग्वार कारोबारियों के लिए काफी अच्छी खबर है, राहत की खबर है, क्योंकि ग्वार की कीमतों में हमने 11,600 का हाई लगने के बाद अभी अगस्त वायदा में, सितंबर में भी हमने अगस्त वायदा में हमने देखा था कि 11,600 का हाई लगता हुआ नजर आया था, फिर उसके बाद से कीमतें लगातार गिरती हुई नजर आई थी और 8,000 तक भी नीचे जाती हुई नजर आई थी। लेकिन ग्वार के जो फंडामेंटल्स हैं इतने भी कमज़ोर नहीं है, मजबूत ही हैं, क्योंकि ग्वार की बुआई इस साल बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी ग्वार की बुआई के समय, और जो पिछला स्टॉक है अभी कारोबारी और किसान उसको निकालने में लगे हुए हैं, दूसरा डिमांड भी थोड़ी निकल के सामने आई है, जिसकी वजह से ग्वार गम की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ग्वार में एक बार फिर से अभी तेजी निकल के सामने आ सकती है, एक बार फिर से ग्वार 11,600 का हाई लगाने के बाद अब ग्वार की कीमतों में 12,100 12,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार की कीमतों में अभी एक्सपर्ट्स तेजी ही बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच ग्वार की कीमतों में निचले सर्किट भी वायदा बाजार के अंदर देखने को मिलते रहेंगे, एक्सपर्ट्स ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है। अगर ग्वार की कीमतों में 4-4 5-5 6-6% के ऊपरी सर्किट भी लगते हुए नजर आते हैं वायदा में, तो उसी अनुपात में उसी रेशियो में निचले सर्किट भी जरूर लगते हुए नजर आएंगे, ये भी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। तो ग्वार में जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं थोड़ा संभल के करें। बात करें अगर ग्वार सीड की, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्वार सीड का सितंबर अक्टूबर वायदा इस समय 6,296 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6,369 का हाई लगा चुका है, 0.25% की तेजी ग्वार सीड के अक्टूबर वायदा में बनती हुई नजर आ रही है। ग्वार गम की तरह ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा भी तेजी की ही हो रहा है। ग्वार सीड की कीमतों में भी एक्सपर्ट्स जो एनालिस्ट्स हैं वो तेजी ही बता रहे हैं, फंडामेंटल्स ग्वार गम वाले ही हैं ग्वार सीड की कीमतों पर जो लागू होते हैं, और ग्वार सीड की कीमतें 7,000 तक का भी लेवल टच करती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन ये जो लेवल होगा ग्वार गम और ग्वार सीड में एकदम से देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके तेजी बनेगी, एकदम से एक दो दिन के अंदर उछाल नहीं बन जाएगा या एक डे एक से एक सवा हफ्ते के अंदर, अभी इसके अंदर कुछ दिन लग सकते हैं इतनी तेजी बनने में।